और जहाज में जब आदमी सफर करता है तो उसमें कुछ सामान ऐसा है जो आदमी बगैर मुआवजे के ले जा सकता है, अपने साथ उसकी छूट होती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा वजन का सामान ले जाना हो तो उसके लिए इजाफी पैसे देने पड़ते, ज्यादा पैसे देने, कानून यह है। लेकिन लोग इसको बड़ा कमाल समझते हैं कि भाई हम तो 50 किलो सामान ले आए, किसी ने पूछा भी नहीं, यहां तो नहीं पूछा, लेकिन एक दिन आएगा जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने इस्तेहकाक से जायद ये काम किया तो तुम्हारी ये आमदनी जिसके अंदर जो तुमने आमदनी में इजाफा किया वो तुम्हारे लिए हराम। हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कदसल्लाहु ताला अलैहि एक मरतबा किसी सफर पर जा रहे थे, रेल में सामान इतना ज्यादा था कि जो मुकर्ररा हद से बढ़ा हुआ था, तो हजरत का हमेशा मामूल ये था कि जो मुकर्ररा हद से ज्यादा सामान है उसको बाकायदा बुक करा के उसके पैसे अदा करके फिर ले जाया करते थे। ये हिंदुस्तान की बात है। तो चुनाचे वो मुतल्लिका काउंटर पर गए ताकि अपने सामान को बुक कराए, वहां लाइन कुछ लगी हुई थी उसमें लग गए। इत्तेफाक से जो रेलवे का गार्ड था हिंदू था वो हजरत को पहचानता था और हजरत की इज्जत भी करता था। आकर उसने कहा हजरत आप यहां खड़े क्यों खड़े हुए हो? उन्होंने कहा भाई मेरे पास सामान ज्यादा है लिहाजा मैं बुक कराने के लिए आया हूं ताकि इसका किराया अदा कर दूं। कहा हजरत छोड़िए भी, कहां आप उस चक्कर में पड़े, आइए कोई हर्ज नहीं, आप ले चले सामान। हजरत ने कहा कि भाई ये क्या बात कि आप ये कह रहे हैं कि ले चले तो कोई अगर पकड़ लिया किसी ने? कहा कैसे पकड़ेगा, मैं इस गार्ड हूं इस ट्रेन का और मैं साथ जा रहा हूं। कहा कि आप कहां तक जाओगे? कहा कि मैं कानपुर तक जाऊंगा। हजरत ने कहा उसके बाद क्या होगा? कहा कि उसके बाद मैं दूसरा जो गार्ड आएगा तो उससे कह दूंगा, वो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। कहा कि फिर वो कहां तक जाएगा? कहा कि वो तो ऐसी तरह जाएगा कि जहां आप उससे पहले उतर जाओगे, इलाहाबाद जाना है आपको तो आप इलाहाबाद उतर जाओगे तो वो आपको उतर। कहा कि वो जो वहां जो चेक करने वाले होंगे इलाहाबाद के स्टेशन पर तो वो उनका क्या बनेगा? कहा कि वो गार्ड उनसे कह देगा और आपको छोड़ देगा। कहा कि उसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद क्या होना है, आप अपने टांगे में बैठेंगे और अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं उसके बाद भी एक बार मरहला आने वाला है। वो कौन सा मरहला? कहा कि अल्लाह ताला के सामने पेश होऊंगा मैं तो वहां मुझे कौन बचाएगा, वहां आप होगे तो मुझे बचा लो।